नैतिक जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के बीच में एक आदर्श स्थापित करें, क्योंकि बच्चा माँ की बात नहीं मानता। जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर जो पढ़ा देता है, बच्चा घर में आके अपनी माँ को यही बताता है कि मुझे मेरे टीचर ने यही कहा। अगर आप उसे पढ़ा दें दो और दो पांच होते हैं, तो वो घर में आके माँ को यही बताएगा दो और दो पांच हो रहा है। आप उसकी माँ आप कहे कि नहीं दो और दो चार होते हैं, वो कहेगा नहीं मेरे टीचर ने यही पढ़ाया। तो बच्चा वो नहीं सीखता है जो हम बोलते हैं, बच्चा वो सीखता है जो वो देखता है। कई माँ बाप होते ना, बच्चों को कह देते पढ़ो तुम्हारा एग्जाम है, आप पढ़ो आपका एग्जाम है, और हम टीवी देख रहे हैं। आपको यकीन है बच्चा पढ़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको टीवी बंद करके उसके साथ बैठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ऐसे ही स्कूल में भी जो बच्चे आते हैं उनके बीच में भी आपको एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। एक डॉक्टर फेल होता है तो दो चार ऑपरेशन गलत करेगा, निकाल दिया जाएगा, है ना? और एक इंजीनियर फेल होता है तो दो चार पुल तोड़ेगा, सड़क तोड़ेगा। लेकिन अगर एक टीचर भ्रष्ट हो जाए, टीचर एक आदर्श स्थापित ना कर पाए, तो समाज का बहुत नुकसान होता है। आज आप देख रहे हैं जो ये दूसरे चित्र में आपको बताया, दूसरे चित्र में, कि नशे में ये कंप्यूटर और मोबाइल भी आते हैं। ये जो विज्ञान का दौर है, विज्ञान की जो ये चकाचौंध है, ये जो हम कहते हैं हम विकास कर रहे, इतना जो बढ़ गए हैं, क्या ये विज्ञान हमें सुख दे रही है? ये जो गलतियां कर रहे हैं, ये जो बड़ा बड़ा लोगों के दिमाग में जो टेंशन दे रहे हैं, वो कोई कम पढ़े लिखे लोग या कोई अनपढ़ लोग नहीं दे रहे? कौन दे रहे? जो मास्टर माइंड है, पढ़े लिखे लोग। तो ये विज्ञान ने सुख दिया है या दुख दिया है, क्या कहेंगे? दुख दिया है ना। सुखी हम पहले थे, इसको सुख कहेंगे ही नहीं। शरीर बेकार हो गया, दिमाग हमारा बिगड़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा नहीं रहा, निगेटिव की तरफ जा रहा है, इसे सुख नहीं कहेंगे, इसे दुख ही कहेंगे। सुख क्षणिक है, एक पल का, दुख ज्यादा है। आपकी बैंक से पैसे गायब हो जाए, सुख है या दुख? आपको पता ही नहीं। जब आपको पता चलेगा, या तो किसी मास्टर माइंड नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ ने तो नहीं, तो ये विज्ञान सुख कम दे रही है, दुख ज्यादा दे रही है। और आजकल यही सब हो रहा है, इसलिए दिनकर जी ने बहुत पहले आगाह किया था, विज्ञान है तलवार, फेंक दे इसे तजकर मोह स्मृति के पास। आगाह किया था ना कि ये एक सेवक तो अच्छा है लेकिन मास्टर अच्छा नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड कर दिया और हाथ पैर दिमाग चलाना बंद कर दिया। विकास के दौर की जो दौड़ शुरू हुई, हम लोग पैदल चलते थे, हाथ से काम करते थे या दिमाग से सारा काम करते थे, ठीक है? तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, पैरों को आराम मिला, मोटरसाइकिल, साइकिल, है ना, कार, ये सब इन्वेंशन हुआ और ये सब समाज में आ गए। हमारे पैरों की भागदौड़ खत्म हो गई। थोड़ी दूर भी जाना है तो हमें क्या चाहिए? मोटरसाइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, ठीक है? थोड़ा विज्ञान का और विकास हुआ, मशीनें आ गई, हर चीज की मशीन, हर चीज की मशीन। तो मशीनों से क्या हुआ, हाथ को आराम हो गया, हाथ भी अब काम नहीं कर रहे, ठीक है, सारा काम मशीन कर रही है। और फिर आगे चल के अभी विकास का ऐसा जमाना आया कि रजिस्टर सारे बंद, अब सारा काम कंप्यूटर से हो गया, तो अब दिमाग भी चलना बंद। अब मनुष्य को कुछ